दुनिया के दूसरे और चीन के सबसे बड़े खिसकते तकलामाकन रेगिस्तान में ऑयल कंपनी के वर्कर्स ने जिंदगी ला दी है। इस रेगिस्तान को पहले सी ऑफ डेथ कहा जाता था, पर वर्कर्स ने 15 साल में रेगिस्तान में बनाए गए 436 किलोमीटर हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाकर हरियाली ला दी है। हाईवे प्रोजेक्ट 2002 में शुरू हुआ था, हरियाली को लाने में लगे 15 साल। जी हाँ दोस्तों, तकलामाकन रेगिस्तान चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित शिनजियांग प्रांत में है। ये रेगिस्तान 3.37 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। इसका 85% हिस्सा हर साल शिफ्ट होता है। सी ऑफ डेथ के बारे में आसपास के लोग कहते हैं कि वहां जाकर जिंदा लौटना मुश्किल है। इसी इलाके से गुजरता था सिल्क रोड। जी हाँ दोस्तों, हाईवे बनने से तकलामाकन के दक्षिणी उत्तरी हिस्से जुड़ गए। प्राचीन काल में सिल्क रोड यहीं से होकर गुजरता था। इसके बनने से अक्सु और कोरला शहरों का विकास हो सका। हाईवे के किनारे पेड़ लगने से ये पर्यटन केंद्र भी बन गया है। सन 1990 में यहाँ तैरिम ऑयल फील्ड ब्रांच की शुरुआत हुई। इससे पहले तकलामाकन के इस इलाके में लोग नहीं रहते थे।